मानेसर कांड के बाद से ही गहलोत और सचिन के बीच में वाक युद्ध चल रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे ऐसे शब्द बाण चलाए जिन्होंने मर्यादाओं को लांघा। फिर बात चाहे सचिन के लिए नाकारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना हो या फिर ये कहना हो कि राजनीति में मैं कोई बैंगल बेचने नहीं आया हूँ, वहीं कुछ वक्त के बाद सचिन के लिए अशोक गहलोत ने गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जोरदार हमला किया और फिर सचिन के लिए इशारों इशारों में यहां तक कह दिया कि पार्टी में कोरोना आ गया है। लेकिन हर किसी ने इस दौरान सचिन की जमकर प्रशंसा की। सचिन के लिए कहा गया कि गहलोत ने जोरदार हमला किया, लेकिन सचिन ने कभी पलटवार नहीं किया, कभी शब्दों की मर्यादा नहीं लांघी। अब एक निजी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में जब सचिन पायलट से उन पर दिए गए बयानों पर सवाल किया गया तो सचिन ने जो जवाब दिया उसके बाद सचिन की परिपक्वता सामने आई। सचिन ने कहा कि कोई मुझ पर यह आरोप तो नहीं लगा सकता कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो। कभी किसी के लिए गलत शब्द नहीं बोले क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। जिसने जो प्रयोग किया आप उनसे पूछें कि आपने क्या सीख रखी। मैं मानता हूँ कि शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं मैंने क्या किया। हमारी जो संस्कृति है, परवरिश है, उसमें बड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। व्यक्तिगत रूप से जो शब्द मेरे लिए इस्तेमाल हुए उससे किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं भी ऐसे ही तीखे शब्द बोलूंगा तो उससे लाभ किसको मिलेगा। जो लोग हमें देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, ये तो जिस व्यक्ति ने बोला उनको सोचना चाहिए। मैं अपने जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अब सचिन का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई कह रहा है कि सचिन ने सच में गहलोत के प्रति जो सम्मान दिखाया है वो बताता है कि सचिन लंबी रेस के घोड़े हैं, बशर्ते कांग्रेस समझ पाए कि सचिन का कांग्रेस में महत्व क्या है और भविष्य क्या है।